प्रदेश भर में सूबे के मुखिया ने पूरे राज्य भर के कस्टम मिलर्स को प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दी गई है। निश्चित तौर पे प्रति क्विंटल जो पहले 40 रुपए था 120 रुपए प्रोत्साहन के रूप में बड़ा अच्छा उनको महसूस हो रहा है। समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज राजनांदगांव में प्रदेश अध्यक्ष राइस मिल के सहित राजनांदगांव के राइस मिल एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। तमाम लोग मौजूद थे। राजनांदगांव के केंद्रीय मर्यादित सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान इनके मुख्य अतिथि रहे हैं और साथ में ही उनके समर्थक कार्यकर्ता और मिलर्स रूप के तमाम लोग मौजूद थे। निश्चित तौर पे सूबे के मुखिया ने जब घोषणा की तो वो किसानों का मर्म समझते हैं और साथ ही जो किसान से जुड़े मिलर्स हैं उनको भी इससे राहत मिलेगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में लाभ मिले इसलिए ये प्रोत्साहन राशि को बढ़ाई गई है और ख़ासकर आज जो आयोजन किया गया है इसमें तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम मुख्यमंत्री का जो प्रोत्साहन राशि के तौर पर बढ़ाई गई राशि है उसका सम्मान करते हैं तो मुख्यमंत्री और राज्य के और भी आदेश होते हैं, ख़ासकर आज के दौर में वायरस को लेकर। तो जब वायरस होता है तो उसको निजात पाने के लिए या प्रिकॉशन के तौर पर लोग दूरी बनाने के लिए कहते हैं, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन समारोह में ये सारे चीज़ दरकिनारा कर दिया गया। तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने बढ़कर इसे संदेश के रूप में लेना चाहिए और बढ़कर जब काम करते हैं तो इस बढ़ावे को देखते हुए जब लोग ये सारी खबरें देखेंगे तो क्या मैसेज जाएगा ये भी आप तय करें। राजनांदगांव के कस्टम मिलर्स जो है, राजनांदगांव एसोसिएशन कस्टम मिल जो है, उन्होंने इस आयोजित कार्यक्रम को किया और इसी में आज के मुख्य अतिथि नवाज खान रहे और तमाम वे लोगों ने शिरकत किया जो प्रदेश अध्यक्ष लेवल में काम करते, मतलब कस्टम मिल्स के। और आज के जो समारोह में देखा गया कि धन्यवाद ज्ञापन की अभिनंदन तो हुआ, साथ ही मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह देकर भेंट भी किया गया और सम्मान के साथ उन्हें उद्बोधन के लिए किया गया। उद्बोधन में नवाज खान ने मुखिया के बारे में प्रशंसा की और वही इसके लाभ भी बताए। लेकिन जहां मुखिया ने, प्रदेश के मुखिया लोगों को ये राहत देने का काम करते हैं, वही वे गाइडलाइन भी देते हैं कि प्रदेश में अगर कोई समस्या या कोई किसी प्रकार की आपदा हो तो उसके बैठने के लिए गाइडलाइन होते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में जो वायरस के लिए गाइडलाइन दी गई थी या दी गई है उसे लेकर निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रम में कहीं भी वो पालन होते दिखाई देता है कि नहीं, आप देखें और महसूस करें। क्योंकि मंच से लेकर नीचे दर्शक दीर्घा में जो बैठे थे बहुत ही कम लोगों ने मास्क लगा रखा था। आप फिर से देखें विजुअल को और देखकर ही आप तय करें कि इसमें वाकई कितनी गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था। अब हम तय नहीं करेंगे, संबंधित अधिकारी करें, वो खुद जनप्रतिनिधि करें और जो सूबे में मतलब सूबे के अमले में जो काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के अमले के साथ जो मतलब पद लेके काम कर रहे हैं, वो खुद भी तय करे कि जब मंच में रहे या मंच के नीचे रहे तो उन्हें क्या गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होंगे तो उसका भी इस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब मंच से तमाम अतिथियों ने अपना उद्बोधन चालू किया तो केवल मीडिया के लोग ही सामने आए, लेकिन मुख्य अतिथि नवाज खान जब भाषण देना शुरू किए तो मीडिया के लोग तो किनारे जैसे हो गए और उनके समर्थक कहे या उनके कार्यकर्ता लगभग 30 से 40 लोग अपने मोबाइलों से सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा होगा या फिर कवरेज किया जा रहा होगा या फिर अपनी याददाश्त के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने भी 30 से 40 लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं पहना था तो हमें ही दरकिनारा करना पड़ा, उस स्टेज के किनारे हमको जाना पड़ा। ठीक है कि हमको बैठने की जगह नहीं मिली, हमको काम करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया, इसमें भी हमें कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि कस्टम मिलर्स को ले या किसानों को लेकर जब बात होती है तो लोग बात को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी जानते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक तरफ सरकार ने जो राहत इनको दी है, राहत मतलब कस्टम मिलर्स को दी है कि प्रोत्साहन राशि में बढ़ा दी है, 40 से 120 कर दी गई है तो निश्चित है राहत मिलेगी। लेकिन इस बात को बताने के साथ हमको ये भी बताना जरूरी है कि कार्यक्रम के दौरान ऐसा परमिशन दिया या नहीं दिया गया था। हमने जब
स्थानीय अध्यक्ष को पूछा, राजनांदगांव कस्टम के स्थानीय जो अध्यक्ष है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और पहले कहा 50-100, उसके बाद कहा कि हम पहले सैनिटाइजर लाए होते या लाए हैं लेकिन भूल गए, या देखिए क्या जवाब देते हैं। फीस साल अपने को बढ़ गई है, 40 से 120 रुपये किया गया है कस्टम मिलिंग चार्ज। इसे सभी मिलर को नई जान फूंक दी गई है ना, सभी मिलर उत्साहित हैं, इससे किसान मजदूर सबको आर्थिक फायदा पहुँचेगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में। इसके लिए इसके रोग के लिए ना सेंट्रल इंडिया से एक नया पॉलिसी आई है, केमिकल टेस्ट चालू हो गया है। एज लिमिट मैं बता रहा हूँ, वो तो आपको समझा रही है ना, सुनिए ना, सुनिए ना, पहले है ना एज टेस्टिंग वाला फंडा नहीं आया था, आजकल एज टेस्टिंग का फंडा आ गया। चावल के अंदर केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, फ्रेश मीनिंग का धान कहीं हरा दिखता है। अगर पुराना पीडीएस चावल रहेंगे ना उसमें केमिकल टेस्ट होने लग गया, उसमें केमिकल टेस्ट में अगर ऑरेंज आते हैं मतलब पीडीएस चावल है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके कारण कर इसको रोकने के लिए ना गवर्नमेंट ने ये वाला नया एक पैरामीटर लाया, किसके लिए, चावल की जांच करने के लिए। तो इस चावल का FCI या नान में चावल नहीं जा पाएगा, इसको रोक लगाने के लिए नया केमिकल टेस्ट का चालू किए गए। उसका बोला गया था सबको, सबको सैनिटाइजर दिए हैं, क्या बोले, सबको सैनिटाइजिंग दिया गया था, सबको मास्क भी दिया गया था, कई जन नहीं कर पाए उसका पालन, उसका गौर करेंगे आगे। परमिशन भी इतने लोगों की रही होगी आपके पास? 200 लोगों की। सर आप बताइए, ऐसा हमारा परमिशन का 50 लोगों का परमिशन, 200 लोगों का परमिशन, 200 लोगों का परमिशन। या देखिए क्या जवाब देते हैं। जब जवाब नहीं बना तो उनके ठीक बगल वाले उनके साथी जो दूसरे मिलर्स है वो बताने लग गए कि नहीं 50 नहीं था, 100 नहीं था, 200 लोगों को हमने ये मतलब निवेदन किया है या आवेदन किया है हमने अनुमति मांगने के लिए। तो अनुमति कितने की मिली थी हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है, सो बताएंगे और देखते रहे कि इनका जवाब कैसे था। जो राइस मिल एसोसिएशन है, जो राइस मिल व्यवसाय है, वो छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा व्यवसाय है जो हजारों लोगों को रोज़गार देने का काम करता है। पिछले 15 साल में उसकी जो मिलिंग की राशि नहीं बढ़ने के कारण वो लगभग बड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति में था, मृत जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। उसके लिए हमारे राइस मिल एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारियों ने उसके लिए प्रयास किया। तो मुख्यमंत्री जी की सहृदयता का प्रतीक है कि उन्होंने 40 को 120 रुपये क्विंटल करके जो आज राइस मिल की आप रफ्तार देख रहे हैं वो केवल मुख्यमंत्री जी के एक विकास परक सोच का परिणाम है कि आज राइस मिल एसोसिएशन में इतना उत्साह है, राइस मिलरों में इतना उत्साह है। और एक ऐसा व्यवसाय जो सीधे मजदूरों और किसानों से जुड़ा व्यवसाय है उसको पुनर्जीवित करने का काम इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कार्यक्रम बहरहाल प्रदेश के बहुत से ऐसे मिलर्स आए थे जो इस कार्यक्रम में शिरकत हुए थे, और शिरकत होने के बाद निश्चित तौर पे ये जो प्रोत्साहन राशि बढ़ी जो मिलर्स को फ़ायदा होगा, मिलर्स के साथ किसान भी इससे जुड़े हुए तो निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। लेकिन जो बात अपने जगह है गाइडलाइन को लेकर, तो वो अपने जगह रहने चाहिए। बहरहाल आप खबर देखते रहे, खबर का असर कितना होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन खबरों के लिए हम सदा इसी प्रकार खड़े रहेंगे ये बात तय है। इस खबर के साथ हम लोग बने रहे, ऐश्वर्य खबरागढ़ मेरे साथ रहा और मैं अखिलेश।